अगर किसी को नौकर या नौकरानी की आवश्यकता है, जरूरत है, तो यहाँ पर आकर के खरीद सकते हैं। कोई ज्यादा कीमत नहीं है। एक व्यक्ति की 20 भार सोना है। आवाज लगाने लगे हैं कि बकासी की बीच नगरी हुई रही बजरिया में, बजरिया की हुई रही बजरिया में। बकासी की नगरिया में भैया की मती हुई रही, नगरिया में भैया की मती हुई रही, नगरिया में। तीनों प्राणी ठगे से ठाड़े, अरे तीनों प्राणी ठगे से ठाड़े, कोई तकोता हो तो बदलिया में, बदलिया में भैया की मती हुई रही, बदलिया भैया की मती हुई विश्वामित्र जी आवाज लगाने लगे। काशी के लोगों, अगर आपको नौकर या नौकरानी की आवश्यकता हो तो हमारे पास में आकर के खरीद ले। ज्यादा कीमत नहीं है। एक व्यक्ति की कीमत है 20 भार सोना। आज काशी के लोग वहां पर इकट्ठे होने लगे। काफी भीड़ हो गई। तब तक क्या हुआ, एक वैश्या आ गई। वैश्या, और जब वैश्या ने तारा को देखा, एकदम से कहने लगी, देखने में तो बहुत सुंदर है और ये हमारा धंधा बहुत अच्छा चलाएगी, इसलिए बाबा ये बताओ किसकी कीमत कितनी है। विश्वामित्र कहने लगे, इसकी कीमत है 20 भार सोना, लेकिन ये जहाँ जाएगी वही इसका बेटा जाएगा, इसलिए 40 भार सोना ले आओ और इसको ले आओ, ले जाओ। उसी समय वैश्या सोने को लेने गई। इधर मैया तारा भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं धर्म के खातिर अपने पति के साथ में बिछने के लिए आई हूँ, और अगर इस वैश्या ने मुझे खरीद लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए प्रभु आप हमारी रक्षा करना, आप हमारी सम्मान की रक्षा करना। उसी समय वो वैश्या 40 भार सोना लेकर के आ रही थी। एक कागा नाम का पक्षी था, कागा नाम का जो कौवा होता है हमारा, वही वो भाग करके उड़ करके गया और 40 भार सोना अपनी चोंच में दबाया और उड़ गया। वैश्या चिल्लाती रही, पीछा किया, लेकिन वो वहां पर रुका नहीं, भाग गया। वैश्या वहां से वापस हो गई। धीरे धीरे वहां पर क्या देखा, जब वैश्या नहीं पहुंची तो एक कालू मेहतर आ गया, कालू मेहतर। और जब कालू मेहतर ने देखा कि ये नौजवान हट्टा कट्टा खड़ा है और हमारे यहाँ नौकर की बहुत आवश्यकता है, बाबा जी ये बताओ
इस नौजवान हट्टे कट्टे की कितनी कीमत है। कहने लगे इसकी कीमत है 20 बार सोना। ऐसा करो कि आप 20 बार सोना दे दो और इसे ले जाओ। एकदम से 20 बार सोना दिया महाराज हरिश्चंद चल दिए। और जब महाराज हरिश्चंद चल दिए तो रानी तारा ने महाराज विश्वामित्र के पैरों को पकड़ लिया और कहा, प्रभु मेरे पति को मुझसे पहले मत बेचो, मैं बिच जाऊं उसके बाद में मेरे पति को बेच देना, क्योंकि अगर मेरे पति बिच गए तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। उसी समय आज महाराज हरिश्चंद वहां से नहीं गए। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण ने जब तारा को देखा, मन में विचार किया, देखने में तो बहुत सुंदर है, ये हमारे घर में रसोई घर का काम करती रहेगी, भोजन बनाती रहेगी, इसकी कितनी कीमत है। विश्वामित्र कहने लगे, जहां रानी जाएगी वहीं ये पुत्र जाएगा, इसलिए आप 40 बार सोना दे दीजिए और इन्हें ले जाइए। उसी समय ब्राह्मण ने 40 बार सोना दिया और मैया तारा और रोहित को खरीद लिया। इधर रानी तारा और रोहित को एक ब्राह्मण खरीद करके ले गए और महाराज हरिश्चंद को एक कालू नाम का मेहतर खरीद ले गया। महाराज हरिश्चंद को ले जाकर के कालू नाम का मेहतर कहने लगा, हरिश्चंद देखने में तो कोई राजा महाराजा लगते हो, इसलिए आप एक काम करो, हमारे यहाँ पर कोई पानी भरने वाला नहीं है, एक गड़ा उठाओ और जाओ, रोजाना आपका काम रहेगा कि नदी से पानी भर के लेके आओ हमारे घर पर। कहने लगे ठीक है भैया। एक राशन की दुकान बता दी, यहाँ से राशन लो, खाना बनाओ, खाओ। ठीक है भैया। उसी समय महाराज हरिश्चंद कालू मेहतर के यहाँ पर नौकरी करने लगे। बारे समय एक समय वो था, महाराज हरिश्चंद अयोध्या के राजा थे, सभी प्रजा के दिलों में बास करते थे। आज वही राजा हरिश्चंद काशी की गलियों में झाड़ू लगा रहे हैं। बारे समय ये समय बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता, कब भिखारी बन जाओ कब राजा बन जाओ कोई पता नहीं है। बारे समय के छोड़ चले राजधानी और अपनी छोड़ चले अब तपुरी सी नगरी छोड़ी
महाराज हर्षन कालू मेहतर के यहाँ पर नौकरी करने लगे। एक दिन की बात है, महाराज हरिश्चंद्र ने गड़ा उठाया और नदी से पानी भरने के लिए चले। और जब नदी से पानी भरने के लिए चले तो इन्होंने गड़ा जल से भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी दम नहीं थी कि वो उस गड़े को उठा लेते, क्योंकि महाराज हरिश्चंद्र जब भी भोजन करते थे, विश्वामित्र ने कभी भोजन नहीं करने दिया। कभी भिखारी बन करके आ जाते हैं, कभी कुत्ता बन करके आ जाते हैं, लेकिन उन्हें भोजन नहीं करने देते। 27 दिन हो गए थे, महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया था। जैसे ही गागर उठाई, महाराज हरिश्चंद्र के शरीर में दम नहीं रही, बल नहीं था, वो गड़ा महाराज हरिश्चंद्र से उठा ले। गड़ा को वही बगल में रखा और वही नदी के किनारे पर बैठ गए। धीरे धीरे उन्होंने क्या देखा कि रानी तारा आ रही है, और जब रानी तारा को देखा, एकदम से कहने लगे, तारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? महाराज मैं जल भरने के लिए आई हूँ। तारा पहले ये बताओ तुम ठीक तो हो? कि महाराज हम तो सही है, लेकिन आपका शरीर क्या हो गया महाराज आपको? कहने लगे, रानी मुझे 27 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया। रानी हो सके तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो, क्या आप मुझे गागर उठवा दो, ये जल की भरी हुई मुझसे उठ नहीं रही है। रानी तारा कहने लगी, महाराज अभी तुम मेहतर के यहाँ पर काम कर रहे हो, इसलिए अगर मैंने ये गड़ा आपको उठवा दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा, इसलिए महाराज मैं आपको ये गड़ा नहीं उठवा सकता। तरीका बता सकती हूँ, आप गहरे जल में घुस जाओ, ये गड़ा हल्का हो जाएगा। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, वाह रानी तारा, तूने कोई उपाय तो दिया। उसी समय गहरे जल में घुस गए, गड़े को उठा लिया, और उठा करके जब आगे के लिए बड़े तो कालू के आंगन में पहुंचे, एक जोरदार ठिब्बा लगा और आंगन में गिर गए। जब आंगन में गिरे तो वो गड़ा था वो फूट गया। कालू नाम का मेहतर भाग करके आया, कहने लगा, हरिश्चंद्र कहाँ चंदी माता बहनों बैठ लो, थोड़ी देर की बात है बस। कहने लगी, हरिश्चंद्र आपने ये गड़ा फोड़ दिया, इसकी सजा मिलेगी। महाराज आप जो सजा दोगे मैं वही सजा मुझे मंजूर है। क्या आपको सजा मिलेगी कि आपसे अब ये काम होता नहीं है, इसलिए आप अब मरघटिया बन जाओ, मरघट पर जाकर के काम करो। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज हमें मरघटिया से भी कोई घटिया काम दे दो वो भी कर लेंगे। कहने लगे, महाराज मुझे 27 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया, इसलिए मुझसे गलती हो गई। उसी इसलिए आज हाथ में एक लाठी दी, कमंडल दिया, एक कम्बल दे दिया और कहा, जाओ आप मरघट पर जाकर के रहो, और कोई भी लाश आए बिना कर का टका लिए लाश मत जलाना। महाराज हरिश्चंद्र आज मरघटिया बन गए। यहाँ की बातें तो यही छोड़ो, अब देखते हैं रानी तारा की तरफ। सुखदेव जी महाराज समझा करके बोले, हे राजन परीक्षित, इधर रानी तारा ब्राह्मण के यहाँ पर रसोई घर में काम कर रही है। एक दिन की बात है, ब्राह्मण कहने लगे, तारा पूजा का समय हो रहा है, रोहित को भेज दो और बगिया से पुष्प ले आ। उसी समय रानी तारा रोहित के पास पहुंची और कहने लगी, बेटा मेरी बात सुनो, पूजा का समय हो रहा है, आप जल्दी से पुष्प तोड़ लाओ। सुनो, अरे बेटा मेरे मागन लइयो तोड़ी की हो फूल, ए बेटा मेरे मां
उसी समय महाराज हरिश्चंद महाराज सुखदेव जी समझा करके बोले, हे राजन परीक्षित, उसी समय तारा ने अपने बेटा रोहित को बुलाया और कहा, रोहित तुम बगिया में चले जाओ और पुष्प तोड़ लाओ। उसी समय बेटा ने कहा, मैया मुझे छपरिया दे दे, तू चिंता मत करना, मैं अभी गया और अभी आया। उसी समय बेटा रोहित पुष्प तोड़ने के लिए चले, लेकिन हरिश्चंद ने या विश्वामित्र ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा, सर्प बन गए। जैसे ही रोहित ने दो चार पुष्प तोड़े, जैसे ही हाथ पुष्पों की तरफ बढ़ाया, विश्वामित्र ने सर्प बनकर के उनकी उंगली में डस लिया, और जब उंगली में काट लिया, रोहित बेहोश हो गए, उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया। और जब शरीर नीला पड़ गया, इधर विश्वामित्र जी ने आवाज लगा दी काशी में, अरे काशी के लोगों, किसी का पुत्र पुष्प तोड़ने के लिए गया था, किसका भी पुत्र गया था, उस बालक को सर्प ने डस लिया है, जिसका भी बालक हो तो शीघ्र बगिया में चला जाए और ले आए। उसी समय ये आवाज जब तारा के कानों में पड़ी, तो आज तारा एकदम से भाग करके ब्राह्मण के पास पहुंची और कहने लगी, ब्राह्मण जी अभी कोई आवाज लगा करके गया है कि किसी का बालक सर्प ने डस लिया है। ब्राह्मण जी मेरा बालक अभी जंगल में गया है, मेरा बेटा। उसी समय ब्राह्मण कहने लगे, ए लड़की क्या कह रही है कि तेरा बालक सर्प ने डस लिया है, पहले भोजन बना, और डस लिया होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएगा, पहले भोजन बना उसके बाद जाना। मैया रोती जा रही है, भोजन बनाती जा रही है, भोजन बना दिया, भोजन बना दिया। उसी समय ब्राह्मण जी के पास में पहुंची, ब्राह्मण जी मैंने भोजन बना दिया, क्या मैं चले जाऊं? कहने लगे, लड़की तूने भोजन बना दिया, जाने लगी, पहले बर्तन धन उसके बाद में जाना। मैया रोते रोते बर्तनों को धुला, बर्तनों को धुलने के बाद में मैया ब्राह्मण जी के पास पहुंची और कहने लगी, ब्राह्मण जी अब मैं चली जाऊं? एकदम से ब्राह्मण जी कहने लगे, लड़की पहले मंदिर साफ कर दे, उसके बाद में जाना। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परा दीना सपने पराधीन सपने सुखनाही, कर विचार देखो मन माही। जो लोग दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग